जयपुर में खूब दहाड़े अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के साथ फूका चुनावी बिगुल, हर सीट पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी चुनाव। और 1993 से देख लो, 1993 से लेके आज तक एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो बारी 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 इन लोगों को आपने मौका दिया, बारी 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 दोनों ने लूटा। चोर चोर मोसेरे भाई, कोई कह रहा था दोनों भाई बहन हैं। जब बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस वाले कहते हैं इन्होंने खूब घोटाला कर दिया, खूब घोटाला कर दिया, तो जनता सोचती है इनको मौका दो, ये इनको जेल भेजेंगे। फिर जब उनको मौका मिलता, कोई जेल वेल नहीं जाता। आज तक बीजेपी वालों ने एक आदमी को, कांग्रेसी को जेल नहीं भेजा। कांग्रेस वालों ने एक बीजेपी वाले को जेल नहीं भेजा। दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग है भाई साहब, हमारी सेटिंग नहीं है इनसे, हमारी सेटिंग आपसे है, हमारी सेटिंग जनता से है। भाई बहन जो ये है, हम भाई बहन, हम लोग हैं भाई बहन, जनता के साथ रिश्ता है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस यही चल रहा था। दिल्ली की जनता ने दोनों की सफाई कर दी और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। कांग्रेस की 0 सीट और पहली बार में बीजेपी की 3 सीट। पंजाब के लोगों ने भी यही करा, वहां भी यही बट कर रहा था। बीजेपी अकाली दल का गठबंधन था एक तरफ, एक तरफ कांग्रेस की, दोनों में सेटिंग थी, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम। वहां भी जब आम आदमी पार्टी आई, दोनों का साफ कर दिया और अब आम आदमी पार्टी की 117 में से 92 सीट आई। तो पंजाब में और दिल्ली में क्रांति आ गई, लोग क्रांति ले आए और उसका असर आप देख रहे हो। दिल्ली के अंदर स्कूल बनने लग गए शानदार, दिल्ली के अंदर अस्पताल बनने लग गए शानदार, मोहल्ला क्लिनिक बनने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने लग गई, सरकारी स्कूल अच्छे बनने लग गए। पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए यहाँ पे मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि पूरी पूरी रात चल के कई लोग दूर दूर से, कई कई 100 किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं। मैं बता नहीं सकता कि इन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका इतना प्यार, आपका इतना सम्मान, यही हम लोगों को जिंदा रखता है। दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक राजस्थान पे 48 साल कांग्रेस ने राज किया है, 48 साल, 18 साल बीजेपी ने राज किया, कम तो नहीं होते। अब ये बीजेपी कांग्रेस ये नहीं कह सकते भी हमको मौका नहीं दिया, भाई मैं काम कर रहा हूँ। 48 साल बहुत होते हैं, 18 साल भी बहुत होते हैं। आज आप देख सकते हो राजस्थान का क्या हाल है, इतनी गरीबी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, पूरे राजस्थान का बुरा हाल है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। शहीदों की विधवाएं जब अपना हक मांगने के लिए जाती है तो उनको बेइज्जत करके उनको भेज दिया जाता है।